कोलकाता केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां पर कोर्ट ने सख्ती से पेश आते हुए कड़ी फटकार लगाई है। सर्वोच्च अदालत ने किसी को नहीं बख्शा, पुलिस से लेकर प्रिंसिपल और ममता सरकार तक कोर्ट ने तीखे सवाल किए हैं। तथ्यों को देखकर चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने कुछ साफ और सीधे सवाल पूछे, जिनके जवाब सरकार के पास थे नहीं। आइए वो सवाल आपको बता देते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में ममता सरकार से पूछा है। कोर्ट की ओर से पूछा गया, आखिर डेड बॉडी देर से क्यों दी गई, परिवार को इंतजार क्यों करवाया गया, हत्या को सुसाइड क्यों बताया गया। कोर्ट ने पूछा, ऐसा लगता है कि अपराध का पता सुबह सुबह ही चल गया था, लेकिन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने इसे आत्महत्या बताने की कोशिश की। कॉलेज के प्रिंसिपल क्या कर रहे थे, जिसकी भूमिका को लेकर भी कोर्ट ने कई सवाल खड़े किए हैं। आज देश की सर्वोच्च अदालत ने पूछा है, जब आरजीकल अस्पताल के प्रिंसिपल का आचरण जांच के घेरे में है, तो उन्हें कैसे तुरंत किसी दूसरे कॉलेज में नियुक्त कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार हत्या मामले में प्राथमिकी दर्ज करने में देरी को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार की आलोचना करते हुए पूछा कि अस्पताल के प्राधिकारी क्या कर रहे थे, क्राइम सीन से छेड़छाड़ क्यों हुई, मामला इतना गंभीर होने के बावजूद क्राइम सीन को क्यों छेड़ा गया, पीड़िता की पहचान उजागर क्यों की गई। कोर्ट ने कहा कि वो पीड़िता की तस्वीरें और नाम पूरे सोशल मीडिया पर प्रसारित होने से बहुत चिंतित हैं। कोर्ट ने कोलकाता पुलिस को भी फटकार लगाई और पूछा कि हजारों हजार लोगों की भीड़ आरजीकर मेडिकल कॉलेज में आकर कैसे घुस गई, अस्पताल में सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं थे। 7,000 लोगों की भीड़ कोलकाता पुलिस की जानकारी के बिना आरजीकर अस्पताल में नहीं घुस सकती, फिर यह संभव कैसे हुआ। इस पूरे मामले में आरजीकर अस्पताल के प्रिंसिपल संदीप घोष की भूमिका पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसे लेकर कोर्ट भी सख्त नजर आया। वो प्रिंसिपल ही थे जिन्होंने सबसे पहले इसे आत्महत्या कहा था, परिवार भी प्रिंसिपल के बारे में क्या कुछ कह रहा है सुनिए। প্রয়োজন হলে আপনাকে ডেকে পাঠাবো, আপনারা প্লিজ এরকম ভাবে বাড়ির সামনে আসবেন, আমরা আজকে থেকে কোন রকম কথাবার্তা আর মিডিয়ার কাছে বলবো, আজকে এরপর থেকে আমরা মিডিয়ার কাছে আর কোনো কথাবার্তা বলবো না। ওনারা বলেছেন এটা লম্বা প্রসেস, আমাদের সময় দিন। আমাদের সঙ্গে দেশ পুরা দেশ হ্যাঁ পুরা দেশ হ্যাঁ আমি ওয়ার্ল্ড বেসিস আদমি নে ভি বিষয় মে জান গিয়া হ্যাঁ। इसलिए सबको इसके बारे में धन्यवाद देता हूँ और आइए जो जस्टिस हमको मिले, आप लोग भी कोशिश कर रहा है, इसलिए सबको हमको कृतज्ञता और क्या बोल सकते हैं। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ सवाल ही नहीं खड़े किए, बल्कि आगे की जांच और सुरक्षा को लेकर निर्देश भी दिए हैं, उसके बारे में देते हैं जानकारी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है, यह रिपोर्ट 48 घंटे के अंदर सीबीआई को सौंपनी है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से भी घटना की रिपोर्ट मांगी है। वहीं आरजीकर अस्पताल की सुरक्षा का जिम्मा सीआईएसएफ को सौंप दिया गया है। मामले में टास्क फोर्स के गठन का आदेश दिया गया है। टास्क फोर्स को 3 सप्ताह में अंतरिम रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है, साथ ही 2 महीने में फाइनल रिपोर्ट सौंपने के लिए भी कहा गया है। टास्क फोर्स में 9 डॉक्टर्स की टीम है। इसके अलावा भारत सरकार के कैबिनेट सचिव, भारत सरकार के गृह सचिव, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव, नेशनल मेडिकल कमीशन के अध्यक्ष, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनर्स के अध्यक्ष को भी इसमें शामिल किया गया है। अब टास्क फोर्स का काम क्या होगा वो भी समझाते हैं। ये टास्क फोर्स डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर सुझाव देगी, डॉक्टरों और अस्पतालों में मौजूद सुरक्षा इंतजामों को परखेगी। ये टास्क फोर्स डॉक्टरों की सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर पहल करेगी। कोलकाता की घटना को लेकर पूरे देश में गुस्सा है, डॉक्टर्स लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में मामले ने सियासी रंग ले लिया है, जहां पर आज एबीवीपी ने प्रदर्शन किया, जहां पर पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई, तो वहीं अब सौरभ गांगुली भी कोलकाता की घटना को लेकर प्रदर्शन करने जा रहे हैं, जहां पर वो अपनी पत्नी के साथ सड़क पर उतरेंगे। वहीं आज राज्यपाल आनंद घोष ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की, जहां उन्हें पूरे मामले की जानकारी दी गई है।